हेलो एवरीवन, अब हम कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम एंड स्टडी ऑफ इंटेग्यूमेंट्री डेरिवेटिव्स के सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने फंक्शंस के बारे में ऑलरेडी जो वीडियो पब्लिश किया हुआ है, आप सबने होप उसे देख लिया हो अभी तक। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो जल्दी से जल्दी अपने गूगल क्लासरूम ऐप में जा कर के जो इन्विटेशन मैंने भेजा हुआ है आपके जीमेल अकाउंट पर, उसका मैसेज है, आप मेरी ईमेल आईडी के नाम से उसमें सर्च कर सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि फर्दर जो भी वीडियोस हैं, सारे लेक्चर्स आपको व्हाट्सएप में अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, आपको गूगल क्लासरूम ऐप का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लें। अब चलते हैं हम आगे हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर, नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बात करते हैं फीमोरल ग्लैंड की। तो आपने स्पाइनी टेल्ड लिजार्ड के बारे में हम ऑलरेडी इसकी टाइप स्टडी कर चुके हैं अंडर द क्लास ऑफ रेप्टाइल की, रेप्टाइल्स के अंदर हम इस लिजार्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हमने इसके यूरिनो जेनिटल सिस्टम में एक चीज़ पढ़ी थी कि इसमें कॉपुलेशन के लिए कुछ पर्टिकुलर एक ऑर्गन बन जाता है, दैट इज़ फीमोरल ऑर्गन्स और फीमोरल ग्लैंड के फॉर्म में वो होता है। तो एक्चुअल में ये जो फीमोरल ऑर्गन्स है ये सिर्फ मेल लिजार्ड्स में देखने को मिलता है कि उनकी वेंट्रल सरफेस में दोनों की दोनों थाइज में कुछ रोज होती हैं 12 to 18 पोर्स की, जिनसे एक लिक्विड को सिक्रीट किया जाता है। वो लिक्विड जैसे ही एयर के कॉन्टैक्ट में आता है वो हार्ड हो जाता है और ये नी से लेकर के क्लोएकल अपर्चर तक 12 से 18 रहते हैं और ये हार्ड हो जाते हैं। इनके हार्ड होने के बाद ये कुछ छोटे छोटे कांटों के रूप में वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं और मेटिंग के टाइम पे जब कॉपुलेशन होता है मेल और फीमेल के बीच में, तो फीमेल को होल्ड करने का काम ये वहाँ पर करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, दैट इज़ फॉर यूरोपाइजल ग्लैंड। और इसके बारे में हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि बर्ड्स में जो है यूरोपाइजल ग्लैंड पाई जाती है, जो कि एक प्रोमिनेंट यानी उभरी हुई स्वेलिंग के फॉर्म में होती है जो टेल के या यूरोपाइजम के पीछे ऊपर की तरफ पाई जाती है। ये जनरली ब्रांच और एल्वुलर टाइप की होती है जिससे ऑयली सिक्रीशन या वैक्सी सिक्रीशन निकलता है जो कि बीक के थ्रू कलेक्ट किया जाता है और बीक के लुब्रिकेशन और फैदर्स की प्रीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ इसमें स्पेशल टाइप के ऑर्डर्स निकलते हैं, यानी ऑडोरीफेरस नेचर का ये होता है जो कि ड्यूरिंग द मेटिंग टाइम ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने का भी काम करता है। अब ये जो ऑयली सिक्रीशन है या वैक्सी सिक्रीशन है इसे हम पॉमेटम कहते हैं। ये पॉमेटम जनरली आपने देखा होगा कि कोई भी जो बर्ड्स होते हैं वो जो अपने बॉडी के एब्डोमिनल पोर्शन से पीछे की तरफ से इस पॉमेटम को अपने बीक से कलेक्ट करते हैं, देन वो पूरे फेदर्स में धीरे धीरे अपने बीक के थ्रू प्रीनिंग कराते हैं जिससे उनकी बॉडी की वैक्स जो वैक्स है उस पर स्प्रेड हो जाता है, यानी कि प्रीनिंग हो जाती है। साथ ही साथ वो वाटर प्रूफ बन जाते हैं, यानी पानी का उन पर कोई असर नहीं हो सकता है। पानी पड़ जाने पर भी उनके फैदर्स गीले नहीं होते हैं और वो आसानी से उड़ जाते हैं थोड़े टाइम बाद। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, दिस इज़ द स्वेट ग्लैंड्स। और ये जिसे हम सुडोरीफेरस ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं, स्वेट ग्लैंड, स्वेद ग्रंथि भी हम इसे कहते हैं। ये मैमल्स की बॉडी में बहुत ज़्यादा एबंडेंटली पाई जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। इसके शेप की अगर हम बात करें तो बहुत ही स्लेंडर होती है, पतली होती है और बहुत कॉइल्ड फॉर्म में एक ट्यूब लाइक जो डर्मिस के अंदर तक धंसी हुई होती है और इसकी ओपनिंग जो है ऊपर की तरफ एपिडर्मिस के ऊपर की तरफ होती है। तो आगे जब हम स्किन का जनरल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो उसमें हम ये डायग्राम में देख पाएंगे। तो इससे जो बॉडी से जो वाटर का ई वेपोरेशन होता है उसमें कुछ क्वांटिटी में यूरिया और या जो भी मेटाबॉलिक बेस्ड होते हैं, यानी जो सॉल्ट्स बनते हैं एट द एंड ऑफ द मेटाबॉलिज्म, वो इसके थ्रू निकाल दिए जाते हैं। और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके फंक्शंस में कि कैसे ये काम करता है। और जो भी वाटर होता है उसमें एक्सेस हीट को बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है और अल्टीमेटली बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है, जिसे हम थर्मो रेगुलेशन के नाम से भी जानते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर,
तो नेक्स्ट स्लाइड में भी स्वेट ग्लैंड्स के बारे में ये कुछ डेटाज हैं कि कंपैरिजन अगर हम करें तो किस में पाया जाता है किस में नहीं पाया जाता। स्वेट ग्लैंड्स जो हैं जो स्पाइनी स्केली एंट ईटर्स होते हैं, जिन जिनकी बॉडी में स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं, या तो हम सिरेनिया की बात करें यानी जो सी काउज हैं, या सिटेशिया यानी कि सारी की सारी जो वेल्स आती हैं इस कैटेगरी में, तो इनमें ये जनरली एब्सेंट होती हैं कि स्वेट ग्लैंड्स का इनमें कोई फंक्शन नहीं हो पाता है क्योंकि बॉडी में इनके हेयर्स भी कम होते हैं। लेकिन अदर मैमल्स की अगर हम बात करें तो इनमें कुछ बॉडी के रिस्ट्रिक्शंस पाए जाते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे कैट हैं या माइस है, इनके जो पैरों के सोल्स होते हैं वहाँ पर ये पाई जाती है, बाकी की बॉडी में कहीं प्रेजेंट नहीं होता। इसी के साथ रैबिट के सिर्फ लिप्स वाले पोर्शन में ये पाई जाती हैं, और जो रूमिनेंट्स हैं जितने भी यानी हमारे जितने भी कैटल्स हैं उनके मजल, और मजल यानी स्नाउट वाला जो पोर्शन होता है उनके माउथ के ऊपर वाला जो पोर्शन, और जो भी टोज़ के बीच की स्किन होती है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा हम बैट की अगर बात करें तो उसके जो हेड के दोनों सिरों पर दोनों साइड्स में ये प्रेजेंस होता है। हिप्पोपोटेमस में ये सिर्फ ईयर्स में पाए जाते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर फैक्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि आपने जनरली कई बार ये पढ़ा होगा कि गुलाबी पसीने को निकालने वाला जो जंतु है उसका नाम बताइए, तो दैट इज़ दरियाई घोड़ा, हिप्पोपोटेमस। तो मेल जाइंट जो कैंगरू होते हैं दैट इज़ मैक्रोपस रूफस और हिप्पोपोटेमस, इनके स्वेट का जो कलर है वो रेड कलर होता है। रेड कलर होने के कारण यही है कि उनके जो वेस्ट होते हैं उसमें कुछ जो पिगमेंट सेल्स होती हैं उनका भी रिमूवल उसी के साथ होता जाता है, दैट्स वाई वो रेड कलर का वहाँ पर अपीयर होता है या पिंकिश कलर का अपीयर होता है। अब सीलियरी ग्लैंड्स की अगर हम बात करें जो आई लैशेस बनाने का काम करती है, वो भी एक्चुअली में मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, यानी आई लैशेस आई वाला जो पोर्शन है वहाँ पर यही स्वेट ग्लैंड्स जो हैं सीलियरी ग्लैंड में कन्वर्ट होती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, दैट इज सीबेशियस ग्लैंड। तो ये जो सीबेशियस ग्लैंड है इसके बारे में हम कल पढ़ चुके हैं कि कैसे इन यूवी रेज को एब्जॉर्ब करके ये विटामिन डी बनाने का काम करती है। तो ये भी ब्रांच्ड होती हैं और एल्विलर होती हैं, इनमें छोटे छोटे एल्विलाई वाले पोर्शंस होते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और ये जनरली हेयर फॉलिकल की तरफ आकर के ओपन होते हैं। लेकिन कुछ बॉडी के पोर्शन ऐसे भी होते हैं जैसे कि जेनिटल ऑर्गन, नोज़ की जो टिप है, लिप्स के एजेस हैं, यहाँ पर ये डायरेक्टली स्किन में स्किन के पोर के थ्रू ओपन हो सकते हैं। और इनके ऑयली सिक्रीशन को हम सीबम कहते हैं, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि ये जो सीबम है ये बॉडी और हेयर को सॉफ्ट करने का काम करता है, उसे लुब्रिकेट करके रखता है, और साथ ही साथ ये वाटरप्रूफ बनाता है और सारे किसी माइक्रोबियल इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करने का काम करता है। चलते नेक्स्ट स्लाइड की। तो सीबेशियस ग्लैंड की अगर हम कंपैरेटिव स्टडी की बात करें अमंग द वर्टिब्रेट्स, तो पेंगोलिन्स जो हैं या जो मरीन मैमल्स हैं जैसे कि सिरेनिया यानी सी काउ, सिटेशिया में जो कि वेल्स आते हैं, तो इनमें ये नहीं पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो क्योंकि इनमें हेयर की प्रेजेंस भी बहुत कम होती है या बिल्कुल ना के बराबर होती है। अब जो सेरुमिनस ग्लैंड है हमारे जो एक्सटर्नल ईयर कैनल के अंदर जो वैक्स बनाने का काम करती है, सेरुमिन जो हमने डिस्कस किया था ईयर वैक्स जो है, तो ये भी इसी का जो एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है, यानी जो भी वैक्स बन रही होती है वो ग्लैंड भी इसी से मॉडिफाई होकर के ईयर के अंदर ऐसा फंक्शन करती है। इसके अलावा जो आईलिड्स में मीबोमियन ग्लैंड होती है जो कि एक ऑयली सिक्रीशन को हमारे आई बॉल में स्प्रेड करने का काम करती है, वो भी मॉडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड्स होती हैं। तो सीबेशियस ग्लैंड को हम देख सकते हैं कि बॉडी के अलग अलग एरियाज़ में ये मॉडिफाइड होकर के एक पर्टिकुलर न्यू ग्लैंड की तरह फंक्शन कर सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे सेंट ग्लैंड्स की। तो ये जो है ये सीबेशियस या सूडोरीफोरस किसी भी एक ग्लैंड का मॉडिफाइड फॉर्म हो सकती है, डिपेंड करता है कि किस मैमल्स में किस तरह से फंक्शन कर रही है। तो इसमें से कुछ ऑड्रस सिक्रीशंस होते हैं यानी कुछ स्मेली जो कंपोनेंट है वो सिक्रीट किए जाते हैं। तो
जनरली ये ऑपोजिट सेक्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए होता है. तो सेंट ग्लैंड्स का हम ऑलरेडी फंक्शंस में यूज़ पढ़ चुके हैं. तो ये ग्लैंड्स भी पर्टिकुलर जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें वेरियस पोजीशंस में सिचुएट हो सकती है. अगर हम बात करें गोट, राइनो, हॉर्सेस की, तो इनके टोज में ये सिचुएटेड होती है. अगर डियर फैमिली की बात करें तो उनके आँखों सिर पर आँखों के पास ये सिचुएटेड हो सकती है. और जो मस्क डियर है उसके नेवल या एब्डोमेन में ये प्रेजेंट होती है. मस्क डियर के बारे में आप सब ऑलरेडी बहुत बार सुन चुके हैं कि मस्क डियर में जो कस्तूरी मृग जिसे हम कहते हैं उसके ये एब्डोमेन में होता है. और इसकी जो जो ऑर्डर है वो काफ़ी दूर तक जा सकती है. तो मिड डॉर्सली अगर कैंगरू रेट्स की बात करें, दैट इज़ डाइपोडोमिस, तो इन रैट्स के जो मिड डॉर्सली जो बैक होता है, इनके बैक में ये सिचुएटेड हो सकते हैं. अब जो स्कंक्स हैं या बहुत सारे कार्निवोर फैमिली है या रोडेंट्स हैं, इनमें ये जनरली एनस के पास सिचुएटेड मिल सकता है. और अगर नीचे यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है कि अगर आप किसी जू में जाते हैं तो बहुत सारी अगर फाउली ऑर्डर आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर कोई अनहाइजेनिक कंडीशन हो रही है या उन्हें मतलब सफाई नहीं की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है. ये सब जो ऑर्डर्स हैं ये इन सब सेंट ग्लैंड्स के कारण भी आ सकती है. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर. तो ये मेमोरी ग्लैंड्स है जो कि एक स्पेशल कैरेक्टर है क्लास मेमेलिया का. और ये क्लास मेमेलिया में जनरली हर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल जाता है. इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर वेरियस हो सकता है. तो कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड होती है ये, जो कि मिल्क के प्रोडक्शन का काम करती है. जो पूरा लैक्टेशन का एक पीरियड होता है, यानी जो पेरेंटल केयर में लैक्टेशन का पीरियड होता है जिसमें यंग वंस की एक पीरियड तक फीडिंग की जाती है, तो तब ये उस टाइम पे मिल्क के सिक्रीशन के लिए वहाँ पर काम करता है. जनरली ये जो एक्टिव फॉर्म में होते हैं फीमेल्स में अपीयर होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें मोनोट्रीमेट्स और प्राइमेट्स की तो मेल्स में भी ये पाए जाते हैं, हालांकि वो इनएक्टिव होते हैं या अनडेवलप्ड टाइप के फॉर्म्स होते हैं. मोनोट्रीमेट्स की अगर हम बात करें तो मोनोट्रीमेट्स का एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर ये है कि इनके जो निपल्स होते हैं इनमें निपल्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं. ये उसका कैरेक्टर है, ऑलरेडी क्लासिफिकेशन में ये डिस्कस कर चुके हैं. और एक और कैरेक्टर ये भी है कि ये जो ग्लैंड होती है इनमें जो मेमोरी ग्लैंड है वो स्वेट ग्लैंड का मॉडिफाइड फॉर्म होती है अगर हम मोनोट्रीमेट्स की बात करें. जबकि अदर जो भी मैमल्स बचते हैं यानी प्राइमेट्स हैं, तो उनमें जो निपल्स होते हैं वो सेबेशियस ग्लैंड का एक मॉडिफाइड फॉर्म हो सकता है. अब बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की या नंबर की. तो नंबर या डिस्ट्रीब्यूशन जो है मेमोरी ग्लैंड का वो हर वेरियस एनिमल्स में वेरी कर सकता है, मतलब किसी भी स्पीशीज़ में ये पर्टिकुलरली अलग अलग हो सकता है. एक निपल जो है वो रेज्ड कॉनिकल फॉर्म होता है जिससे एक एलोंगेटेड एलिवेशन बॉडी के बाहर दिखता है, और इसमें जो मिल्क ग्लैंड है उसकी ओपनिंग प्रेजेंट होती है. अगर हम बात करें टू टीट्स की, तो इनमें जो डक्ट्स हैं वो पर्टिकुलरली जो मेमोरी ग्लैंड्स जो है सेपरेटली निपल पे आकर के ओपन होती है, मतलब कोई एक कॉमन डक्ट नहीं होती है. अलग अलग जो ग्लैंड्स होती हैं वो आकर के निपल में निपल से सीधे कनेक्ट होती हैं, देन मिल्क का वहाँ से सिक्रीशन कराती है. लेकिन फॉल्स टीट वाले जो अंगुलेट्स होते हैं उनमें एक सिस्टर्न जो एक कॉमन डक्ट होती है वो उस पर सारे के सारे जो मेमोरी ग्लैंड का जो मिल्क है वहाँ पर ला कर के छोड़ दिया जाता है, और ये सिस्टर्न सीधे डायरेक्टली निप्पल के थ्रू बाहर की तरफ ओपन होती है. थैंक यू.